Welcome back to my channel. How are you guys doing? I hope that you guys are being safe and taking all the necessary precautions. ये time बहुत ज़्यादा scary भी चल रहा है but the only thing which can save us is ourselves only. तो I think घर पर रहेंगे and सब लोग you know precautions अच्छे से लेंगे everything will be okay and I think praying to God कि जल्दी से जल्दी सब बहुत जल्दी ठीक हो जाए. Yeah. So आज की video में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ अमेजिंग प्रोडक्ट्स. ये रहे वो सारे प्रोडक्ट्स, आई मीन बहुत गंदी तरीके से मैंने रखे हैं. सो इफ़ यू वॉन्ट सी हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक यूजिंग अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. सो सबसे पहले आई ऑलवेज स्टार्ट विद अ क्लीन फेस. अब क्लीन फेस करने के लिए हमें चाहिए एक मेकअप रिमूवर और वाइप्स. तो ये कॉटन वाइप्स आती हैं मिनीसो में, दिस रिटेल्स फॉर 150 रुपीज़. इट्स एन अमेजिंग डील क्योंकि इसके अंदर इतने होते हैं और ये यूज़ नहीं होता. पील स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली. सो आपने कॉटन वाइप लिया एंड ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट क्लीन योर फेस. ऑल्दो आई स्टार्टेड विद द क्लीन फेस ओनली, आप हमेशा अपना मेकअप रिमूव करोगे सोने से पहले एंड स्किन केयर से हमेशा पहले. बट देन अब हम क्योंकि टीनेज मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं सो देखो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत डर्ट आपकी निकल आएगी तब भी. सो नाउ आफ्टर दिस हम करेंगे फेस वॉश. तो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से कोई भी फेस वॉश आप कर लो. मैं आई अभी फेस वॉश करके, आ गई. अच्छे से टोन कर लो, स्पेशली ऑयली स्किन है तो बहुत अच्छे से टोन करो. बेसिकली हम अभी स्किन प्रेप कर रहे हैं. सो ये मैंने मॉइस्चराइजर यूज़ किया अभी. एक और चीज़, लिप बाम मत भूल जाना, जिसका ना अलाया लिप बाम ऑल्सो. अब हम स्टार्ट करेंगे मेकअप. फॉर स्टार्टिंग द मेकअप मैं आपको बताऊंगी कि आप मेकअप के लिए कौन सी लाइक ब्रशेज यूज़ कर सकते हैं. तो बेस के लिए और ब्लश के लिए और कॉन्टोर के लिए लाइक लिक्विड चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर. ये जैकुलिन का है एंड ये आई थिंक 199 रुपीज़ के आसपास का है. बट अगर आपको एक और चीपर ऑप्शन चाहिए तो ये, अगर आपको याद हो और आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये महाशय कौन है. ये है हमारे छेद वाले ब्यूटी ब्लेंडर. ये मुझे मिले थे लाजपत नगर मार्केट से 50 रुपीज़ के अंदर एंड ये काफ़ी अच्छे से अपना काम करते हैं. तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला ले लो अगर आपको ये नहीं चाहिए. बताए ये वाला बहुत अच्छा तो है ही. अगर आपको अपनी आई एरिया पर कुछ वर्क करना है तब मैं आपको सजेस्ट करूँगी मिनीसो के ये ब्रशेस. ये 200 रुपीज़ का सेट है और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. सो ये कुछ 5 ब्रशेस का सेट आता है. इसके अंदर बड़े ब्रशेस भी आते हैं, फेस ब्रशेस भी आते हैं. इनकेस अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ नहीं हो कंफर्टेबल तो आप वो यूज़ कर सकते हो. और हाँ, अगर आपको पाउडर को सेट करना है और आपके पास बड़ा वो नहीं है तो पाउडर हमेशा पाउडर कॉम्पैक्ट के साथ हमेशा उनका पफ आता है तो आप उससे अपने बेस को हमेशा सेट कर सकते हो. तो प्रीटी मच यही आपको ज़रूरत है. पहला स्टेप मेकअप के अंदर होता है प्राइमर. बट आई डोंट लाइक यूजिंग प्राइमर. क्यों? क्योंकि एवरीडे बेसिस पे अगर आप प्राइमर लगा रहे हो अपनी स्किन पे बेसिकली वो आपके क्लॉग लाइक पोर्स को क्लॉग कर देगा. क्योंकि एक सिलिकॉन लेयर होती है जो कि आपकी स्किन के और मेकअप के बीच में एक बैरियर बनाती है. अगर आपको बहुत ज़्यादा टेक्सचर है तो देन डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि ये टीनेज मेकअप रूटीन है तो हैवी बेस का कोई मतलब बनता नहीं है लॉजिक. तो इसलिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए बीबी क्रीम और सीसी क्रीम. नाउ ये दोनों में डिफरेंस है. इसकी मैंने एक शॉर्ट बनाई थी वीडियो, आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी लोगों को हेल्पफुल लगी थी. बट मैं फिर से बता दूँ कि बीबी क्रीम अगर आपको एक थिन लेयर चाहिए अपनी स्किन पे, मतलब बेसिकली जो कि एक लेयर हो भी पर नहीं भी हो, तो आप बीबी क्रीम यूज़ करो. बट एट द सेम टाइम अगर आपकी स्किन में रेडनेस है या फिर बहुत ज़्यादा लाइक छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, आपको करेक्शन की ज़रूरत है और आप करेक्टर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सीसी क्रीम यूज़ करो. ये है स्लेट्स जो हम मेकअप स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं. अगर आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो. जनरली स्टोर्स में काफ़ी एक्सपेंसिव होती है बट ऑनलाइन ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी. हाँ, इसमें आप जनरली अपने प्रोडक्ट्स मिक्स करते हो. आप चाहो अपने फेस पे डायरेक्टली लगा लो बट इट क्रिएट्स अ वेरी थिन लेयर. बहुत लोगों को देखा है वो बिना ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करे, वो जब इतना हार्ड हो रखा होता है, छोटा हो रखा है, उसी से उसको बाउंस करना शुरू कर देता है, विच इज़ सो रॉन्ग. सो दिस इज़ रियली गुड फॉर पीपल हु आर गोइंग टू कॉलेज, जिनको नो मेकअप मेकअप लुक चाहिए. सो दिस इज़ रियली गुड फॉर दैट एंड इट्स वेरी लाइट ऑन द स्किन ऑल्सो. होते हैं कुछ लोगों के बहुत प्रोमिनेंट डार्क सर्कल्स होते हैं और सी सी क्रीम से भी उनकी कोई हेल्प नहीं बनती. इन दैट केस आप एन वाई का करेक्टर यूज़ कर सकते हो. ये काफ़ी अफोर्डेबल है और ये ऑरेंज करेक्टर है. जनरली हमें ऑरेंज करेक्टर की ही ज़रूरत होती है डार्कर एरियाज़ में.
सो आप ये यूज़ कर सकते हो अगर आपका सीसी क्रीम से काम नहीं बन रहा तो। मैं कंसीलर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि अगेन वो एक वेट ऐड करता है मेकअप पे, मुझे बहुत केकी लगता है कंसीलर लगाने के बाद मेकअप। या तो आप सिर्फ कंसीलर लगा लो या आप सिर्फ और सिर्फ बेस लगा लो, ईदर ऑफ द टू। तो अब मैंने क्योंकि बेस लगा लिया है तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये NY का। अब ये इसकी कंसिस्टेंसी बहुत डिफरेंट है, ये आपको कॉम्पैक्ट जैसा लग रहा होगा बट ये एक्चुअली कॉम्पैक्ट है नहीं, बिकॉज ये एक क्रीम कंसिस्टेंसी है। देखो इसकी कंसिस्टेंसी क्रीम है बट ये लाइक पाउडर में बन जाएगा। गिवन मी अ लॉट ऑफ कवरेज। आईब्राउज, नाउ आईब्राउज के लिए मेरे पास है ये स्विस ब्यूटी की पेंसिल। नाउ दिस इज अ रियली नाइस पेंसिल क्योंकि इसके अंदर ये ब्रश भी आ रहा है। जनरली सी मैं जस्ट इसको फिल कर रही हूँ, एक्स्ट्रा को आप अपने हाथों से हटा सकते हो। सो ब्राउज मैंने कर लिए। आई शेडोज के लिए मैं सजेस्ट करूँगी स्विस ब्यूटी, ये काफ़ी अच्छी पैलेट है। लकीली मैंने तो ये कितने की ले ली थी, 199 की ले ली थी, आई थिंक कुछ 200 समथिंग रुपीज़ की है बट स्टिल लाइक 200 के ब्रैकेट के अंदर ही है। आई एम गोना टेक दिस शेड क्योंकि ये लाइटेस्ट कलर है, तो इसलिए मैं इससे पहले अपनी पूरी ब्राउज को एक न्यूट्रल साइक बेस कलर दे दूंगी। सी ये ब्रशेस बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्लफी। आई एम गोना गो इन विद दिस कलर क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा कलर है, शिमर भी है बट नहीं भी है, लाइक बहुत इन योर फेस नहीं है ये कलर। क्रीज के नीचे नीचे तक मैं इससे अपनी यहाँ लगा रही हूँ। सो ऐसा लगेगा कि आपका आईलिड जो है वो ग्लॉसी ग्लॉसी सा हो रहा है। अगर आपको कुछ पार्टी लुक चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली हम टीम मेकअप कर रहे हैं तो आप लोग पार्टीज में भी जाओगे, सो उसके लिए आई विल हाईली सजेस्ट स्विस ब्यूटी की लीक पड़ा शैडोज। ये आपके पास होनी चाहिए, लाइक लिटरली होनी चाहिए, एंड आई विल शो यू व्हाई। लेट मी शो यू। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल यू गॉट डू इज एंड यू कैन जस्ट ब्लेंड इट आउट लाइक दैट। ये बहुत जल्दी सूखता है सो दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड थिंग। सो लाइक वाओ इट्स सो प्रिटी। सो यू नीड टू हैव इट, लाइक कभी भी आप पार्टी में जा रहे हो सो यू कैन यूज दिस, लाइक पार्टीज के लिए दिस इज परफेक्ट। आई लाइनर इज अ मस्ट, सो बायोटिक का ये आई लाइनर बहुत बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। धीरे धीरे आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर में आना। एंड सो ये मेरी राइट आई का आईलैश है। अब आप अगर देखोगे तो ये छोटे छोटे हैं यहाँ पे और ये एंड्स की तरफ बड़े बड़े हैं। सो ये आपका आई का स्टार्टिंग होगा और ये आपका आई का एंड होगा। सो आई एम गोना शो यू अगेन। देखो एंड ये आपने जैसे ऐसे किया विद आईलाइनर इट बिकम्स इजी क्योंकि आपके पास एक गाइडिंग लाइन भी हो जाती है, प्लस अगर आपने थोड़ा गलत भी लगाया तो भी किसी को पता नहीं चलता विद दिस थिंग, बट प्रैक्टिस के साथ ही ये आता है गाइज, प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टेंड। अच्छा अबाउट दिस, ये मैं अभी क्लीन करती हूँ। अगर आप भी ये लगाओगे ना तो आपके बहुत प्रिटी लगेंगे एकदम। वाओ में स्टारी आइज मस्कारा बाय बायोटिक बहुत अच्छा ऑप्शन है, सो ये आप लगा सकते हो। इसका वॉन्ड भी बहुत ही अच्छा है सो आपके ये सारी लैशेस को कवर करेगा एक बारी में। सो लोअर लैशेस मैं कर लेती हूँ। वाओ
बेसिकली आपके आईलैशेस को इंडिविजुअली कोट करेगा. जब भी कभी गड़बड़ हो जाना इसके साथ तो कभी भी पैनिक मत करो, उसे सूखने का वेट करो, फिर क्यू टिप के साथ उसे आराम से. सो आई पर्सनली थिंक कि पिंक्स एंड न्यूड कलर आपके किट में डेफिनेटली होना चाहिए, इफ़ नॉट रेड. आई मीन रेड इज़ ऑल्सो एन असेंशियल, बट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि न्यूड कलर्स एंड पिंक कलर्स डेफिनेटली होने चाहिए. सो इन दैट मैं आपको सजेस्ट करूँगी बायोटीक की लिपस्टिक्स, NYB की लिपस्टिक्स एंड ColourPop. ये सारी लिपस्टिक्स बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं और काफ़ी अच्छे कलर्स हैं इनके. दिस इज़ अ न्यूड, ब्राउनिश न्यूड कलर. आई रियली लाइक दिस. आई अप्लाई दिस. हाँ, दिस इज परफेक्ट. थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, नॉट मच. थोड़ा सा नोज पे. ओ डू यू सी, इसने कितना अच्छा कलर ऐड कर दिया फेस पे. लुक्स सो नाइस. नाउ इट बिकम्स रियली लाइक इजी. यू कैन ऑल्सो यूज योर like brushes, like ये thinner brush for the application. Wow. अच्छा, in case अगर आपको eyelashes पहनना नहीं पसंद है and you don't like lashes but you want कि आपकी lashes अपनी lashes पर आप mascara लगाओ, so you can use Gub का ये eyelash curler. एक तो ये pink color का है, ऊपर से this is very affordable also. So this गब का आई लैश कर्लर, आई रियली रियली लाइक दिस. ये बहुत अच्छे से आई लैशेज कर्ल करता है. इसको भी अपने पास रख सकते हो अपने ब्रशेस को क्लीन करने के लिए. एंड लास्ट में यूज़ करेंगे आप सेटिंग स्प्रे. आई होप दैट आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो. इफ़ यू डिड देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. ऑल्सो मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना. अपने सजेशंस मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर शेयर करना. वॉट डू यू वॉन्ट मी टू क्रिएट, लाइक वॉट आर योर सजेशंस. I will see you guys in my next video. Until next time. Bye guys!